हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं तवा नान की रेसिपी लेके आई हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं गेहूं के आटे से नान बनाने जा रही हूँ। बिल्कुल हेल्दी नान बनके रेडी होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 कप गेहूं का आटा ले लिया है, आधी चम्मच पिसी हुई चीनी ले ली है, आधी चम्मच नमक ले लिया है और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर ले लिया है और आधा कप दही डालेंगे, खट्टा वाला दही है ये फ्रेंड्स। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्के हल्के हाथों से अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। तो पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं गूंथेंगे फ्रेंड्स, इसे सॉफ्ट ही डो लगा के रेडी करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए अपना डो लग के रेडी हो गया है। अब इसे रेस्ट पे देंगे आधे घंटे के लिए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। इसे ढक के आधा घंटा रेस्ट देंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए आधे घंटे बाद में अपना आटा चेक करते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स, अपना आटा फूल गया है। और इसे थोड़ा सा मसल लेंगे आटे को। तो ये देखिए अच्छे से जाली पड़ गई है आटे के अंदर। अब इसकी लोई तोड़ लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लोई तैयार कर लिए मैंने। यहाँ पे चकले पे आटा डस्ट करेंगे, एक लोई लेंगे, अभी इसे बेल लेंगे। आप शेप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो नान के अंदर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर गोली शेप रखें, कोई सा भी शेप दे देते हैं नान के अंदर। अब यहाँ पे कलौंजी लगाएंगे, धनिया पत्ती लगाएंगे और यह हाथों से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये सेट हो जाएंगे अच्छे से। तो अभी इसे बेलन की सहायता से बेल लेंगे फ्रेंड्स। अब आप किसी भी साइज में बेल सकते हो। मैं ओवल शेप में बना रही हूँ नान को। तो ये देखिए अपना नान बिल के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हाथ पे उठा के रख लेंगे और इसके ऊपर हल्का सा पानी लगा लेंगे ताकि ये तवे पे अच्छे से चिपक जाए और अपना फूला फूला नान बने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तवे पे रख दिया है सिकने के लिए। अब इसे चूल्हे पे सेकेंगे उल्टा करके तवे को। तो ये देखिए इस तरह से सेकना है फ्रेंड्स, बड़ी आसानी से सिक जाता है, इसमें टाइम भी नहीं लगता है। तो ये देखिए अच्छे से सिक के रेडी हो गया अपना नान। अब इसे तवे पे से हटा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छा सा कलर आ गया है पीछे की साइड भी और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला नान बनके रेडी हुआ है फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पनीर की सब्ज़ी के साथ सर्व किया है। आप किसी भी सब्ज़ी के साथ सर्व कर सकते हो और बिल्कुल कुरकुरा नान बनके रेडी हुआ है फ्रेंड्स। ये देखिए बिल्कुल ढाबा स्टाइल। तो इस तरह से आप भी देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी ज़रूर बना के देखिए। एकदम इसके अंदर जाली पड़ी हुई है।